देशभर में जारी लॉकडाउन के बीच राज्य सरकारें हालात सामान्य बनाए रखने के लिए तरह तरह के उपाय कर रही है। लोगों के लिए रहने खाने दवा और यहां तक कि शराब का इंतजाम भी किया जा रहा है। लॉकडाउन में शराब नहीं मिलने से केरल में लोग खुदकुशी कर रहे हैं। सीएम पिनरई विजयन ने आबकारी विभाग को आदेश दिया है कि जिनके पास डॉक्टरों का पर्चा है उन्हें शराब दी जाए। जिन लोगों में शराब की लत छोड़ने के लक्षण दिख रहे हैं उन्हें अस्पतालों में भर्ती करके मुफ्त इलाज दिया जाए। पिनरई विजयन ने यह भी कहा कि सरकार शराब की ऑनलाइन बिक्री के बारे में भी विचार कर रही है, क्योंकि अचानक शराब बंद होने से सामाजिक समस्याएं पैदा हो सकती हैं। मैंगलोर के जस्टिस के एस हेगड़े चैरिटेबल अस्पताल में टेलीमेडिसिन सेवा शुरू की गई है। इसके तहत मरीज मोबाइल एप्लीकेशन व्हाट्सएप के जरिए डॉक्टर्स से संपर्क कर सकते हैं और इलाज की सलाह ले सकते हैं। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर प्रशासन ने मकान मालिकों को आदेश दिया है कि किरायेदारों से फिलहाल किराया ना वसूला जाए। नोएडा के बरोला गांव के कुशल ने अपने 50 किरायेदारों का किराया माफ कर दिया है। उन्होंने अपने किरायेदारों, ड्राइवरों और सिक्योरिटी गार्ड्स को आटे का पैकेट भी दिया। कुशल पाल ने बताया कि इतने मुश्किल हालात में सभी को मदद के लिए आगे आना चाहिए। मुझे अपने 50 किरायेदारों से तकरीबन 1.5 लाख रुपया हर महीने मिलता है, लेकिन मैंने किराया माफ कर दिया। झारखंड के बोकारो में उर्मिला देवी एक कपड़े की दुकान पर काम करती थी और उनके पति राजू दास शादी में ड्रम बजाते थे, मगर लॉकडाउन के चलते काम बंद हो गया। उर्मिला देवी को घर चलाने के लिए कर्ज लेना पड़ा और उन्होंने सब्जी की दुकान खोली है। उर्मिला ने कहा कि हालात बेहद खराब हैं और 4 बच्चों को जिंदा रखने के लिए कुछ कमाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने हेमंत सोरेन सरकार से मदद की अपील की है। इस बीच दिल्ली के एम्स ट्रॉमा सेंटर को कोरोना अस्पताल घोषित किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।